सका तेरे मनवा में कहीं चले नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और यहां पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से यहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और क्या कुछ उनकी मांग है, हम उनसे ही आइए जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगों को लेकर सर आज आप लोग यहां पे धरना। मेन हम लोगों का मांग है कि जो महंगाई भत्ता 3 किस्त एक साथ फ्रीज करने का एक तरफा निर्णय सरकार ने लिया है। बहुत संघर्ष के बाद इस महंगाई भत्ता का एक फार्मूला बना और जो आज तक जितने भी आपदा आए उसमें ये बंद नहीं हुआ था और ये भी एक तरफा निर्णय लिया। इस संकट की घड़ी में हम लोग भी सरकार के साथ हैं और जब भी ज़रूरत पड़ी है, अभी एक दिन के वेतन का अति हुआ था, हम लोग दिए हैं अप्रैल माह में एक माह का एक दिन का वेतन सहर्ष दिया है। मई महीने में जो है 300 रुपया प्रति कर्मचारी और 1000 रुपया प्रति अधिकारी जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं और आगे भी हम लोग इसके लिए सहर्ष तैयार हैं। लेकिन एक तरफा निर्णय कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। जो श्रम संगठन है उनसे बातचीत करके ये निर्णय लेने से हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होती। और जो देखने की बात है, इस संकट की घड़ी में जो है अगर कोई खड़ा हुआ तो वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो। जितने भी आज निजीकरण का दौर में जो है कोई भी प्राइवेट आदमी इसके लिए खड़ा नहीं हुआ। जितना भी धूप में हो अथी हो, 24 घंटा ड्यूटी करने के लिए आदमी हर समय तैयार रहा और आगे भी इसके लिए तैयार है। इस लॉकडाउन में भी जो है ट्रेन ऑपरेशन चला और साधन न रहते हुए भी कठिन परिस्थिति में भी लोग दूसरे जगह जाके ड्यूटी करने का काम किया। कि हमारा विरोध तो कहीं कहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि समस्या आज है तो हम साल भर बाद विरोध करेंगे। ये सरकार के संज्ञान में देना हमारा काम है। और आगे की निर्णय क्या होगा? आगे का निर्णय हमारों का केंद्र के जो नेता हैं वो लोग जैसा निर्णय लेंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। और 8 तारीख को आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? 8 तारीख को जो है बैच लगा करके जो है सब हम लोग विरोध दर्शाने का काम करेंगे। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने TA DA को इस बार ख़त्म कर दिया गया है और साथ ही साथ इनका कहना है कि इस कोरोना महामारी में भी जितने भी कर्मचारी हमारे सरकारी कर्मचारियों ने ही साथ दिया है, वो स्वास्थ्य के हों या RPF हों या रेलवे के हों, अगर इनकी बात नहीं मानती है तो आगे का इनका निर्णय है कि 8 तारीख को ये बैच लगा के एक काला दिवस मनाने के रूप में काला दिवस मनाएंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जिंदाबाद।